Hello dear friends, Assalamu alaikum. This is Kamran Amil Ashari from the Spark Academy in Darkana. Once again, with the past to be verbs. In the previous lecture, we discussed about present to be verbs. Now, we will discuss about past to be verbs, how they are used. Let's come to learn. We will discuss about the past to be verbs, was and were. Was and were are the past to be verbs. ये past to be verbs हैं. क्या show करते हैं? देखते हैं. Which show state and existence. दो चीजों को show करेंगे. एक है state और दूसरा existence. अब देखते हैं कि state और existence है क्या? हमने previous lecture में जैसे कि पहले define कर चुके हैं कि state क्या है और existence क्या है. Which show state and existence of the subject in past time. Present to be verbs mein jaise ki humne padha ke would show state and existence in present time, but here these would show state and existence in past time. Note rule number 1, there is no action. We will not use an action verb. For an example, how? Such like she was go to school. Such like here, she was go to school. How? Here, it is an state verb. ये एक state verb है. तो क्या करेंगे? हम यहाँ पे go का इस्तेमाल नहीं करेंगे. जैसे कि हमने formation में यहाँ तो past to be verbs क्या करेंगे? यहाँ तो noun अपने साथ लेंगे, यहाँ तो adjective लेंगे. Such like here, this is a common mistake. We would say we would not take an action verb. For an example, here we would say she was a doctor. This is right one. Again, there is a sentence. She was a good student. So here she was good student. So this is stay good student. This is a quality of a subject. She was a good student. So we will not take an action verb. Let's move further. I आगे पढ़ते हैं usages of pronoun. So पहले formation पढ़ते हैं, बाद में हम usages of pronouns पढ़ेंगे past to be verbs में. I देखते हैं formation. Formation की meaning क्या है? अगर दुनिया में देखें कोई भी चीज बनती है तो पहले हम क्या करेंगे? उस चीज की फॉर्मेशन लेंगे. फॉर एग्जांपल, हम अगर कोई बिल्डिंग बनाए तो पहले क्या करेंगे? पहले उसकी फॉर्मेशन लेंगे, बाद में हम वो बिल्डिंग खड़ी करेंगे. आए देखें फॉर्मेशन, पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट, बाद में क्या? टू बी वर्ब्स. बाद में क्या लेंगे? टू बी वर्ब्स के बाद एक चीज आएगी, या तो हम नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव. यानी कि दो चीजें आ सकती हैं, एक तो नाउन या तो एडजेक्टिव. कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि प्रीपोजिशन का भी यहां इस्तेमाल होता है. फॉर एन एग्जाम्पल, कि हम मिसाल के तौर पर देखें, आई वॉज इन द क्लास. तो देखें यहां पे क्या लिखा, दिस इज अ प्रीपोजिशन. सो यहां पे एक प्रीपोजिशन भी आ सकती है. सो इट डिपेंड्स अपॉन सेंटेंस. तो देखेंगे कि ये फॉर्मेशन कंप्लीट डिपेंड्स अपॉन असेंडेंस. तो देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है फॉर्मेशन के मुताबिक लिखेंगे. आई आगे बढ़ते हैं यूजेजेस ऑफ प्रोनाउन. हम प्रोनाउन को किस इस्तेमाल करेंगे पास्ट टू बी वर्ब्स में? यूजेजेस ऑफ प्रोनाउंस देखते हैं. आई के साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? यहां पे लिखा है आई वॉज. फॉर एग्जाम्पल, हम कोई मिसाल लें कैसे. I was a teacher. तो क्या बना यहां पे? I was a teacher. अब देखिए we के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे. We as user plural. We were. हम we के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? Were. This is called plural. तो we plural है, तो यहां पर हम plural के साथ were का इस्तेमाल करेंगे. For example, you. You can be used as singular or either plural.
यू दोनों की तरफ इस्तेमाल करेंगे, या तो यू प्लूरल भी हो सकता है या तो फिर सिंगुलर भी हो सकता है। देखेंगे यू वर इन द क्लास, फॉर एग्जाम्पल दे वर इन द क्लास, तो दे के साथ हम क्या लिखेंगे, दे के साथ हम वर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आए चले ही वॉज अ डॉक्टर, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, ही वॉज अ डॉक्टर। ही इट इज यूज एज सिंगुलर, तो हम क्या करेंगे ही के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। और आए शी के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, शी इट्स आल्सो यूज, ये भी सिंगुलर वर्ब हम इसके साथ इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल शी वॉज अ डॉक्टर, इट पहले डिफाइन कर चुके हैं, इट मॉडिफाइज टू टू थिंग्स, फॉर एग्जांपल इट मॉडिफाइज टू पर्सन आर नॉन लिविंग। For an example, when it defines to person means it modify or it indicates to a child or something else. It was a boy, Ali. What we did? It is a singular one. So what we use with the singular? We will use was. Ali was in the class. Ali was in the class. Let's learn if two nouns comes in a single sentence. What we would use there? We would use such like, for an example, for instance, I have given us example there. Ali and Saif have a singular one. There was single noun. Now here are two nouns. One Ali, एक Ali है और दूसरा Saif है. तो हम क्या करेंगे? Ali and Saif. तो यहाँ पे क्या लिखें? Was लिखें. That's wrong one. क्योंकि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि singular के साथ वर्ब इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल के साथ हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ एक नहीं दो हैं, दो के साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, we will use here verb. For the additional usages we will learn, let's come to learn how we use them in the tables. Let's see how was should be used in positive, interrogative, negative, interrogative, negative and emphatic sentence. Let's learn. She was a doctor. This is a positive sentence. The other word we would say to positive is called affirmative sentence. Let's learn. She was she. How make an interrogative sentence? हम interrogative sentence कैसे बनाएंगे? क्या करेंगे? Was को हम subject के आगे put up कर देंगे. Such like was she a doctor? I और negative sentence किसे बनाएंगे? Negative sentence क्या करेंगे हम? She was not a doctor. हम क्या करेंगे? Same as a positive sentence की तरह रखेंगे was को, फिर क्या करेंगे? क्योंकि negative sentence है, तो हम यहाँ not put up करेंगे, write करेंगे. I और further interrogative sentence and negative sentence. यहाँ पे हम सवाली और नकारी sentence किसे बनाएंगे? क्या करेंगे? पहले देखते हैं, टू मिक्सचर ऑफ अ सेंटेंस है, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है. क्या करेंगे? तो पहले वाज सेम यूजुअल व्हेन वी मेड अ इंटरोगेटिव सेंटेंस. जैसे कि पहले हमने भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया तो क्या किया, वाज को पहले लिखा. हम पहले इंटरोगेटिव है तो पहले क्या करेंगे, वाज यहां पर लिखेंगे, बाद में क्या करेंगे नेगेटिव, सेम तरह यहां पे नॉट लिखेंगे. वाज शी नॉट अ डॉक्टर, this would be interrogative and negative sentence. I last sentence, that is called emphatic sentence. तो हम emphatic sentence में क्या लिखेंगे? She was really means it tells a complete determination in this sentence. तो क्या करेंगे? She was really a doctor. I hope so you fully complete your concept and past to be verbs. I hope you have understood and you like this video. I hope so. Please kindly subscribe this channel and share among your friends. Thank you, Allah Hafiz.